हेलो, एक बार चेक कीजिएगा साउंड क्वालिटी, एक बार चेक कीजिएगा ज़रा, लाइव आ रहा है क्या उस पर, और साउंड क्वालिटी बताइएगा, मतलब साउंड आ तो रहा है ना, पिछली बार रिकॉर्डिंग हुआ पूरा और साउंड ही गया था। और लिंक मुझे अच्छा, हेलो चेक चेक चेक, हेलो चेक, जी हेलो हेलो, सही है ना? चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है, सामने ही आज ही इधर ही ज़्यादातर शिफ्ट रहिएगा, क्योंकि इधर से शायद विजिबल ना हो। ठीक है, लाइव स्ट्रीम इज नॉट, स्ट्रीम रिकॉर्डिंग इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ठीक है, इसके पहले वाली जो क्लासेस, थोड़ा सा इधर फोकस कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक बार रिकैप करूंगा लास्ट क्लास में जो जो हमने पढ़ा था। सबसे पहले देखा था कि जब आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जो पार्टी भारत को आजादी दिलाई थी, उस पार्टी का नाम क्या था? कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस आपको पता है कि बहुत पहले से पार्टी, पुरानी पार्टी है, एलन ऑक्टेविन ह्यूम ने बनाया था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस देखने को मिला कि चाहे वो नेहरू हो, गांधी हो, ये सारे, सरदार पटेल, ये किस पार्टी से बिलोंग कर रहे थे? सारे कांग्रेस पार्टी के थे। तो फाइनली जब कांग्रेस, जब प्रोविंस का इलेक्शन होता है, तो क्या होता है कि जितनी भी पार्टीज फाइट करती है, उसमें देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा किसका डोमिनेंस होता है? कांग्रेस का। तो पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि सबसे पहला जनरल इलेक्शन कब हुआ था? कब हुआ था सबसे पहला? हमने पढ़ा था 1951, कुछ बुक्स में लिखता है, कुछ बुक्स में लिखता है 1952। एग्जैक्टली मैंने रीजन क्या बताया था कि एग्जाम में अगर आएगा तो आपको टिक करना है क्या, 1952। देखिए, इलेक्शन स्टार्ट तो हो गया था 1951 के इनिशियल में, लेकिन कहा जाता है कि 1952 में मेजर, आपको पता है कि बहुत सारे फेजेस में इलेक्शन हुए थे। एक बार बहुत सारी जितने भी बैलेट पेपर होते हैं, चाहे उस समय जो मैच किया जाता था, उसमें देखने को मिलता था ये क्या कि मेजॉरिटी लोग, वोटर्स जो थे, वो कब किए थे, किस ईयर में? 1952। इसीलिए कहा जाता है इंडिया का पहला जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ था। उसके बाद अगर मैं फिर 5 ईयर्स की बात करूं, तो अब कब होगा? 1957 में। याद है पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था, उसमें आपको बताया गया था कि सबसे ज्यादा फर्स्ट में जो इलेक्शन हुआ था, सबसे डोमिनेंट पार्टी कौन निकल कर आई थी? कांग्रेस। सेकेंड नंबर पे कौन सी पार्टी आई थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि कितने सीट लेकर आई थी हसन? कितना? 17, नहीं, एक ज्यादा बढ़ के चल रहे हो, एक पीछे चल जाओ, कितना? 16 सीट्स लेकर आई थी। और कहा जाता है कि सबसे लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस बनती है, और सेकेंड कौन? लेकिन आप देखिए डिमार्केशन जो है, कहां पे 300 प्लस सीट और कहां पे 16 सीट, तो देखने को मिला कि सबसे ज्यादा डोमिनेंस किनका है? कांग्रेस पार्टी का ही है। ठीक है, अब यहां पे कहा जाता है कि ऑब्वियसली उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार थे, कौन थे? पंडित नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। और इनका कहीं ना कहीं एक कहा जाता था कि एक ऐसे डिप्लोमेट है जिनका एक वर्ल्ड में भी क्या है,
कि इनका पोजीशन होता था, जैसे इन्होंने क्या बनाया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, याद है यूगोस्लाविया हो चाहे घाना हो चाहे इंडोनेशिया हो, सारे के सारे लीडर्स को लेके ये मीट कर रहे थे। और फाइनली तीसरा, जैसे कहते हैं पूरा दुनिया दो ध्रुव में बांटा हुआ था, कैसा हो चुका था बाइपोलर, उसमें नेहरू थर्ड पोलर बना रहे थे, मतलब थर्ड वर्ल्ड बना रहे थे, जिसको बोला गया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब क्या होता है ना कि मैंने बताया था कि ये टोटल कितने 1965 तक पावर में रहते हैं, कौन, नेहरू, अंटिल इनका डेथ में हो जाता है। लेकिन 1962 में याद है मैंने कुछ बताया था, एक और चीज हुआ था, दो चीजें हुई थी क्या, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, और उसी समय क्या हुआ था इंडो चाइना, उसके दो साल मतलब दो से तीन साल बाद ये नेहरू का डेथ होता है। अब यहां पे आता है कि नेहरू के जाने के बाद अब कांग्रेस को कौन संभालेगा, तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि आपको पता है मैंने कहानी लास्ट क्लास में बताया था कि देखिए जब नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे ना, तो उसी समय एक और शख्स था जो इस उम्मीद में बैठा था कि नेहरू का कब डेथ हो जाए और मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, कौन था, क्या एग्जैक्टली, मोरारजी देसाई। लेकिन उसी समय कहते हैं कि कांग्रेस में जो प्रेसिडेंट, आपको पता है कि हर पार्टी का एक प्रेसिडेंट होता है, ऐसे ही कांग्रेस का एक प्रेसिडेंट उस समय हुआ करते थे जो कि साउथ से बिलोंग करते थे, मद्रास से, उनका नाम क्या था, कामराज। और इनको पता था कि मोरारजी देसाई जो है वो बैठे हुए हैं किस लिए, सरकार बनाने के लिए, तो इन्होंने सोच लिया कि नहीं इसको रोकना है मोरारजी को। और कहते हैं उसी समय किसको प्रोजेक्ट कर दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री। अब लाल बहादुर शास्त्री जब आते हैं उसी समय दो चीजें होती है क्या, पहला इंडो पाक वार, उधर से कौन, जनरल अय्यूब खान क्या करते हैं भारत पे अटैक कर देते हैं। और फाइनली लाल बहादुर शास्त्री उसी समय एक नारा देते हैं क्योंकि भारत में फेमाइन भी चल रहा था, भारत युद्ध भी कर रहा था, तो कौन सा नारा दिया गया, जय जवान जय किसान, ठीक है। अब क्या होता है ना कि उसी समय 1965 से लेकर 1966 में दो ही साल से प्राइम मिनिस्टर की चेयर पे रह पाते कौन, शास्त्री। और फाइनली 1966 में इनका डेथ हो जाता है, और डेथ कहां पे होता है, मैंने क्लास में बता दिया था आपको कि इनका डेथ कब होता है और कैसे, याद है ताशकंद ये पहुंचे हुए थे, ताशकंद एग्रीमेंट साइन करने के लिए, कौन कौन थे ताशकंद एग्रीमेंट में, किन दोनों लोगों ने साइन किया था, ऑब्वियसली वहां प्रेसिडेंट अय्यूब खान और लाल बहादुर शास्त्री। तो ये क्वेश्चन आता है कभी कभी, ताशकंद एग्रीमेंट साइन कब हुआ था, 1966, लेकिन कहा जाता है जिस दिन साइन हुआ था उसके अगले दिन इनका डेथ हो गया था। और फाइनली जैसे ही डेथ होता है तो उसके बाद फिर अब आ जाता है क्या कि अब कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, नहीं उज्बेकिस्तान, ताशकंद, बता तो रहा हूं ताशकंद में थे, आज एग्रीमेंट साइन किया और उसके बाद शाम को कहा जाता है कि अगले दिन उनको पता घोषित कर दिया गया भारत जब आया। तो हालांकि अभी तक ये इस पे मूवीज भी बन चुकी है लेकिन अभी तक ये पता नहीं कि इसका सीक्रेट क्या है, कैसे, अभी तक रहस्य जैसा ही है कि कैसे उनका डेथ हो गया, या तो कहा जाता है कि पानी में कुछ मिलाकर इनको जो रात में ड्रिंक दिया गया उसमें कुछ मिला दिया गया था। तो खैर अलग अलग स्पेकुलेशन है, कुछ लोग कुछ कहते हैं कुछ लोग कुछ कहते हैं, हमें उस पर पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, ठीक है। हालांकि लोग इसको कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने ही इनको मरवा दिया था ताकि इंदिरा को बनाया जा सके, क्या प्राइम मिनिस्टर, हाँ क्या गद्दारी कर दिया, नहीं गद्दारी नहीं किया था, ठीक है। हाँ अब समझिए नेहरू का जाने का 1964 में चले गए, तो 1964 के बाद कहा जाता है मई में जब वो 1964 में डेथ हुआ, 65-66 में कौन रहा, लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद आया मेन चैलेंज आता है क्या कि अब प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। अब याद रखिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री जब 1966 तक वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्हीं के पोर्टफोलियो में उस समय जो लेडी थी क्या नाम था, इंदिरा गांधी। ये इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इनको मिनिस्ट्री मिला था, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मतलब आपको वो सेवाएं जो सिर्फ आपको पता है पोर्टफोलियो कैबिनेट में मिलता है, इन्फॉर्मेशन होता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री, अलग अलग हेल्थ मिनिस्ट्री, इनको मिला हुआ था। इसलिए मिला हुआ था ना ताकि इनको थोड़ा सा है ना बनाया जा, इनको थोड़ा सा ऐसा बनाया जा सके ताकि लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप किया जा सके, ठीक है। अब समझिएगा दो साल अभी होता नहीं है तभी लाल बहादुर शास्त्री का डेथ होता और फाइनली इस समय जो बैठा हुआ था कि अब बनना है कौन, मोरारजी देसाई। अब यहां पे आकर लगता है कि अब तो बन जाऊंगा, ठीक है। और जैसे ही बनते हैं तो कामराज लेकर आते हैं क्या, कामराज प्लान, कामराज प्लान लेकर आते, बोलते हैं अच्छा तुम अभी भी बैठे हुए हो क्या, एक साल तुम्हारा तुम्हें हटाया अभी भी बैठे हुए, अभी भी तुम्हें बनने नहीं दूंगा। और कहा जाता है कि एक वोट किया गया सारे उसी समय जितने भी कांग्रेस पार्टी के थे, इंटरनल वोटिंग सिस्टम से देखा गया कि सबसे ज्यादा मत किसको मिला था, इंदिरा गांधी को, और इंदिरा गांधी फिर से मतलब इंदिरा गांधी चुन के आती है एज अ प्राइम मिनिस्टर। किसी के मन में ही आ रहा होगा कि सर इलेक्शन हुआ नहीं तो कैसे प्राइम मिनिस्टर चूज कर लिया गया, नहीं मतलब जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर डेथ हो गया तो इमरजेंसी, नहीं अगर कोई सपोज कीजिए प्राइम मिनिस्टर ऐसा हो नहीं, अगर प्राइम मिनिस्टर अभी श्री नरेंद्र मोदी जी का डेथ अगर हो जाता है तो क्या किया जा सकता है, फिर से इलेक्शन होगा,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या होता है, सिंपली देखा जाता है ये मैजिक नंबर, अगर वो पार्टी क्रॉस कर रही है तो दोबारा जो लीडर अपने आप ये लोग चुन लेंगे वही उनका प्राइम मिनिस्टर होगा। तो प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं होता है, पार्टी का जो हाई कमान का जो लीडर चुन के आता है उसी को क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो हाँ चलिए, रिकॉर्डिंग हो रहा है, नो इशू, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, सारे बात कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, कोई भी इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाता, ये मैंने बोला कि ये इस वो कहते हैं ना, हाँ सारी चीजों में हमने एज अ इमेजिनेशन लेके चला है। एनीवे ठीक है, तो अब इंदिरा गांधी को बनाया जाता है, लेकिन इंदिरा सबसे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए कि इंदिरा गांधी को लोग क्यों बना दिए, कामराज तो अपने आप लीडर थे, चाहते तो ये भी बन सकते थे, लेकिन कामराज शुरू से ये बात कहते हैं क्या कि मैं इसलिए नहीं बनना चाहता था बिकॉज मैं एक तो हूं मद्रासी, मुझे आता है मद्रासी, और मैं हिंदी, ज्यादातर हिंदी बेल्ट वाले लोग हैं तो उनको कैसे डील करूंगा, तो एक रीजन ये था। दूसरा ये था ना, इंदिरा गांधी पे लोग सहमति इसलिए दे दिया क्योंकि इनको लगा कि अगर इंदिरा को बनाया और मोरारजी को बनाया तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा समझिएगा। मोरारजी पहले से गुजरात में सीएम रह चुके थे, गुजरात के, तो कहा जाता है कि अगर मोरारजी को बताओ तो ये किसी को पूछेगा तक नहीं, मतलब घास नहीं डालेगा, हमें पूछेगा नहीं, और इंदिरा को बनाओ तो इंदिरा अभी नहीं है, कुछ भी नहीं जानती है, तो हमें बार बार कंसल्ट करेगी, कैबिनेट से बात करेगी, पूछेगी कि कोई डिसीजन लेना है तो क्या कैसे लेना है। तो कहा जाता है वही कि इंदिरा गांधी को बनाने का पहला सबसे रीजन ये था कि इंदिरा गांधी इसीलिए बनती है क्योंकि इनको, इसीलिए इनको बनाया जाता है बिकॉज इनका कहीं ना कहीं एक लग रहा था कि हाँ सारे कैबिनेट से ये बार बार पूछताछ करेंगी इसीलिए। तो ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया। क्या सेकेंड क्वेश्चन है, सीरियस डाउट दैट मेनी कंसिडर्ड वेदर इंडियाज डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट विल सर्वाइव आफ्टर नेहरू। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, नेहरू के मरने के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री को कुर्सी दिया जा रहा था तो लाल बहादुर शास्त्री वॉज रिलक्टेंट, उनको लग रहा था कि मतलब कहां नेहरू, जिनका दबदबा पूरे वर्ल्ड में चलता था, एक तरह से एक वर्ल्ड के लीडर थे, तो ये कहते थे कि पता नहीं वो चेयर को भर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि इनका बैकग्राउंड क्या था, एक किसान, हाँ फार्मर किसान बैकग्राउंड से आते थे, तो इनको एक हेजिटेशन, कभी भी आपको एक बड़ा पोस्ट मिलता है तो आप थोड़ा सा डर जाते हैं, पता नहीं इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा पाऊंगा, बट देखिए दो से ढाई साल रहे, बट इन्होंने पाकिस्तान से जो लड़ाई हुई उसमें भी जीत दिलाया और ताशकंद एग्रीमेंट साइन करके आए, सीज फायर करके आए, तो कहीं ना कहीं बाद में चल के जय जवान जय किसान नारा देकर इन्होंने सारी चीजों को खत्म किया। अब फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री मैंने सारी चीजें बता दिया है, क्या कि 1964 से लेकर और 1966 में प्राइम मिनिस्टर बने रहे, 1966 में क्या हुआ, फाइनली इनको क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है, और उसके बाद सिचुएशन थोड़ा सा खराब होता है। जैसे आपको पता है कि दो हमने जो प्लानिंग कमीशन बनाया था उसमें फर्स्ट फाइव ईयर प्लान सेकेंड फाइव ईयर प्लान, ये सारा क्या हो रहा था, सक्सेस, मतलब एक तरह से काम कर रहा था, लेकिन अचानक से चाइना का उधर से अटैक, फिर 3 साल बाद किसका अटैक, पाकिस्तान का, तो उसके बाद हमें लेना पड़ा था क्या प्लान, हाँ प्लान हॉलीडे लेना पड़ा था, और ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, हाँ तो जय जवान किसान का इसलिए क्योंकि फेमाइन आ रहा था, और मैंने बताया था उस समय शास्त्री इवन जो प्राइम मिनिस्टर का हाउस है 7 RCR उसमें बैलों को भी उन्होंने मंगा लिया था और खेती खुद करते थे ताकि प्राइम मिनिस्टर हाउस का जितने भी लोग हैं उनको खाना पीना दिया जा सके, तो आप समझिएगा। तो यही रीजन था कि इसीलिए माना जाता है, मैंने बताया था दो किसान लीडर हुए जो प्राइम मिनिस्टर बने, चौधरी चरण सिंह और लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, तो दोनों कहीं ना कहीं एक तरह से इनका रहा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, शास्त्री प्राइम मिनिस्टर केम टू एन एब्रप्ट एंड, एब्रप्ट मतलब अचानक से खत्म होता है, कब, 10 जनवरी 1966, वही है जिस दिन ताशकंद साइन हुआ, ही सडनली एक्सपायर्ड इन ताशकंद, देन इन USSR एंड करेंटली द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान। तो क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो उज्बेकिस्तान है ये एक कंट्री और उसी का कैपिटल क्या है, ताशकंद, तो ताशकंद में जो डेथ होने का है तो कैपिटल सिटी में इनका डेथ हुआ था, ही वॉज देयर टू डिस्कस एंड साइन एन एग्रीमेंट विद मोहम्मद अयूब खान, ये अयूब खान उसी समय है जब वो पाकिस्तान ने अटैक किया था भारत पे, जो 1965 का वॉर हमने देखा था, ठीक है, और प्रेसिडेंट खत्म हुआ। अब आते हैं फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी में हमने क्या देखा था कि इनको कौन बैठे थे बनने के लिए, मैंने बता दिया कहानी सारा, मोरारजी देसाई हैड, और क्या चाहिए पहले बॉम्बे स्टेट के, जैसे देखिए पहले कहा जाता है ना कि आपको मैंने बताया था कि भारत उस समय 28 स्टेट नहीं हुआ करते थे, 16-15 ऐसे ही हुआ करते थे, प्रोविंसेस अलग अलग थे, तो आपको देखने को मिलेगा ये वाला जो पोर्शन हुआ करता था आपका, ये पोर्शन इसको क्या, ये गुजरात था, ठीक है, और ये पूरा का पूरा बॉम्बे, और उस समय इसको पूरा का पूरा पोर्शन को क्या बोलते थे, बॉम्बे प्रोविंस। ये बाद में चल के आपको पता है रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया था, 19 डेट बताइए, रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बना था, इन विच ईयर, नहीं 1956 याद रहना चाहिए, ठीक है, 1956 में आया था,
और कहा जाता उसके बाद सारे स्टेट्स को अलग अलग बाउंड्री तय किया जाने लगा और फाइनली गुजराती बोलने वालों को लैंग्वेज के बेसिस पे क्या मिला, गुजरात, और ऐसे ही मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र, तो डिवाइड कर दिया गया। तो लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसमें स्टेट को अलग अलग लाइन खींची, बाउंड्री बनाया जा रहा था, ठीक है। अब उस समय मैंने बताया कि देखिए, अगर कोई एक लीडर है जो ऑलरेडी पावर में रहा है, एज अ सर्व किया है सीएम, तो उसका ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो उसे पीएम बनने का ज्यादा दावेदारी पेश किया जा सकता है। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी को बनाया जाता है, तो रीजन वही है। क्या फाइनली क्या बोल रहा है, क्या द कॉन्टेस्ट वॉज रिजॉल्व थ्रू अ सीक्रेट बैलेट, मतलब एक सीक्रेट बैलेट रखा गया, जैसे आप पूरे के पूरे 50 लोग हैं, मैंने बोला कि एक बैलेट रखते हैं और इसमें सारे अपना अपना मत लिख के चले जाएं कि किसको बनना है। एक तरफ खड़ा है इंदिरा गांधी, एक तरफ खड़ी है, और दूसरा एक तरफ मोरारजी देसाई। तो ज्यादा देखने को डिसीजन वाज नॉट अनैनिमस, द कॉन्टेस्ट वाज रिजॉल्व थ्रू सीक्रेट बैलेट अमंग कांग्रेस एमपी, इंदिरा गांधी डिफीटेड मोरारजी देसाई, इनको हराती है बाय सिक्योरिंग सपोर्ट ऑफ मोर देन 2/3 ऑफ द पार्टी एमपी, मतलब 2/3 से ज्यादा सीट लेकर इनको ये जीत जाती है। अ पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर डिस्पाइट इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर लीडरशिप वाज सीन एज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब एक चीज देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है आपको पता है कि इंडिया जब डेमोक्रेटिक, अपने आप को बोला कि मैं भारत आज से क्या बनूंगा डेमोक्रेटिक कंट्री, तो एक सारे वर्ल्ड के जो लीडर्स वो बोलते थे इंडिया में तो अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडिया में पॉवर्टी है, इंडिया में कहीं ना कहीं एक तो इकोनॉमिक में बहुत पीछे है, तो भारत का जो डेमोक्रेसी है ना वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लेकिन पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था, हु वाज द देन फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुकुमार सेन, तो सुकुमार सेन ने जब इलेक्शन कंडक्ट कराया, पूरे दुनिया को लगा कि मतलब भारत जो इतने सक्सेसफुल तरीके से कर सकता है, तब ये जाकर लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, भारत जैसा कंट्री भी जो कि अंडर डेवलप्ड है, उस समय डेवलपिंग नेशन में था, अंडर डेवलप्ड था, तो कहीं ना कहीं अगर वो कर सकता है तो ऐसे सारे कंट्री के लिए एक मिसाल पेश किया गया कि अगर भारत कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो साउथ अफ्रीका 1992 में जो कि ब्रिटिश आजाद हुआ, वो भी अपने आप को डेमोक्रेटिक के रास्ते पे चला, तो ऐसे करके। लेकिन समझिए, यहां पे बवाल खड़ा नहीं होता है, मतलब जब पूरे के पूरे एमपी, पार्लियामेंट के जितने एमपी थे, अगर वो ज्यादातर 2/3 पार्लियामेंट बोलते हैं कि किसको बना दो, इंदिरा गांधी को, तो कभी किसी ने, मतलब मोरारजी ऐसा नहीं कहते हैं कि नहीं लोगों ने क्या किया गलत चूज कर लिया, ऐसा ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ बिल्कुल, अगर लोगों ने चुना है तो मैं इस बात के लिए अग्री कर रहा हूं, और किसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, इंदिरा गांधी को। तो इसको कहा जाता है कि रियल डेमोक्रेसी ये था कि हाँ, लोगों ने सीक्रेट तरीके से चूज कर लिया, और जो ऑपोजिशन का लीडर था, जो इनके राइवलरी थे, वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, अगर सीक्रेट बैलेट से मैं अगर नहीं बन पाया, नहीं तो उन्होंने इस कहीं ना कहीं बाद में, लेकिन इनकी कुर्सी की लालच अभी भी खत्म नहीं हुई थी, ठीक है। देखते हैं आगे, नेक्स्ट। ठीक है, लेकिन इंदिरा गांधी जब आई पावर में, तो उसी समय कहते हैं कि सिचुएशन खराब होना शुरू हो गया था, आपको पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उसी समय, जब ये चीजें खराब हो रही थी अनाज के, भारत वॉज नॉट सेल्फ सफिशियंट, मतलब कि इतना भी अनाज भारत नहीं उगा पाता था जिससे अपने लोगों का पेट भर पाए। और कहते हैं कि ये सारे रीजन जितने भी थे, लाल बहादुर शास्त्री ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड, द सीनियर कांग्रेस लीडर मे हैव सपोर्टेड इंदिरा गांधी इन द बिलीव दैट हर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस वुड कॉम्पेल हर टू बी डिपेंडेंट ऑन देम फॉर सपोर्ट एंड गाइडेंस। मैंने क्या बताया था कि लोगों ने इंदिरा को चूज क्यों किया था, क्योंकि उनको लगता था कि अगर इंदिरा को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो फाइनली आएगी किसके पास, अगर सलाह मशवरा लेना होगा किसके पास आएगी, बिल्कुल कैबिनेट के पास, इसीलिए सबने चूज कर लिया किसको, इंदिरा को। और मोरारजी, ऑब्वियसली मोरारजी एक्सपीरियंस है, उसको आपने चुन लिया तो क्या होगा, वो कभी भी ध्यान नहीं देने वाला, वो आपसे पूछेगा भी नहीं, जो डिसीजन लेना है खुद लेने जाएगा, ठीक है। तो बाकी अच्छा, इंदिरा गांधी के टाइम दो तीन चीज याद है, पोखरण वन, दो पोखरण भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, पोखरण वन एंड पोखरण टू। पोखरण टू जो हुआ था वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हुआ था, और पहला जो टेस्ट हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में कौन से थे जो इसको लीड कर रहे थे, साइंटिस्ट, एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, ठीक है। तो वही बात है, अच्छा इंदिरा गांधी को मैंने बताया था 1971 के वॉर में, जिसमें बांग्लादेश को फ्री किया गया, यही रीजन था जिससे इंदिरा गांधी को आयरन लेडी का नाम दिया गया था, ठीक है। तो यही रीजन है, कांग्रेस प्रेसिडेंट रही थी, मिनिस्टर, अच्छा ये क्वेश्चन आता है कि शास्त्री के मिनिस्टर में, व्हेन द शास्त्री वाज पीएम, इंदिरा गांधी को कौन सा पोर्टफोलियो मिला होता, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। हाँ, तो वो इस पे थी, क्रेडिटेड विथ स्लोगन, अच्छा गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने बाद में चल के इलेक्शन में दिया था, जिसमें इंदिरा हटाओ के नारा जब लग रहे थे तो इंदिरा ने उसको उल्टा ले लिया और क्या बोला, गरीबी हटाओ, तो भारत ने पूरे इंदिरा गांधी को ही जिता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थोड़ा, हाँ ये आप देख सकते हैं इस इमेज को देखिए, इट मस्ट बी डिफिकल्ट वन वुमेन इन वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय मेन। आप देखिए कि चारों तरफ कौन है,
मेन दिख रहे हैं, उसमें एक विमेन अगर है तो कहीं ना कहीं एक डोमिनेटेड दिखाई दे रहा था कि इंदिरा गांधी आप इसमें चेहरा मैं बूढ़ा, ये आपके मुझे याद ही है शायद कृष्णा मेनन दिख रहे हैं, ये जो है कृष्णा मेनन है और कामरा ये जॉर्ज फर्नांडिस हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सारे लीडर्स जो है ना वो इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द है कि क्या है पावर हमें ही मिलेगा अल्टीमेटली, इनको तो बस बना दिया गया मुखौटा, सारे स्टैंप हमारे ही पास होंगे, ठीक है। तो वही चीज है। अब आता है कि सबसे पहला आता है फोर्थ जनरल इलेक्शन, तो आप जैसे 1951, 1957 और ऐसे ही 5 ईयर्स फिर करेंगे तो 1962 और फिर 5 ईयर्स करेंगे तो 1967। अब यहाँ पे आता है जब इंदिरा गांधी का ना, तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस कांग्रेस को मिलता है, क्यों, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा फेमाइन आ चुका था और क्या क्या रीजन थे जिसमें कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, उसका रीजन था सबसे पहला रीजन क्या था, इकोनॉमिक क्राइसिस। दूसरा रीजन क्या था, क्योंकि बार बार, अच्छा ये क्वेश्चन आता है जैसे देखिए भारत क्या है, भारत का जो खेती बाड़ी है ना वो किस पे डिपेंडेंट है, पूरा का पूरा मॉनसून पे था। अंटिल अनलेस आप देखेंगे राजस्थान में ये सब, हाँ जो इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं बनाया गया था, अभी तो इंदिरा गांधी कैनाल बना दिया गया ये सब, हाँ लेकिन उससे पहले भारत का पूरा इकोनॉमी मतलब डिपेंडेंट करता था मॉनसून पे, जो भी खाद्य सामग्री थे। वाइड स्प्रेड ड्रॉट, सुखाड़ पड़ गया चारों तरफ। उसके बाद क्या होता है, मेन रीजन ये याद रखिएगा, पूछेगा कि क्या रीजन था कि जिसमें कांग्रेस आगे बढ़त नहीं बना पाई। सबसे पहला रीजन था कि इकोनॉमिक क्या हुआ, कहीं ना कहीं डाउन चला गया बिकॉज ऑफ बैड मॉनसून। दूसरा क्या है, वाइड स्प्रेड ड्रॉट, सुखाड़ पड़ गया। तीसरा रीजन क्या बोल रहा है, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ऑब्वियसली है अगर मॉनसून खराब हुआ तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या आपको लग रहा है बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, हार्वेस्टिंग नहीं हुआ होगा, सही से मॉनसून नहीं आया। उसके बाद सीरियस फूड शॉर्टेज, डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एक वर्ड आया यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्या होता है, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज जिससे जैसे, हाँ जैसे आपने सुना होगा कि हाँ डिवेल्युएशन, सरकार कभी कभी डिप्रिसिएशन और डिवेल्युएशन का कहते हैं टर्म है, डिवेल्युएशन सरकार कब करती है जब, हाँ हाँ करेंसी को डिप्रिसिएट इसलिए किया जाता है, उसका रीजन ये है ना कि एक्सपोर्ट को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके, और एक्सपोर्ट को जब यहां से सामान किसी दूसरे कंट्री में जाएगा तो वो बदले में क्या देंगे, यूएस डॉलर, और इसीलिए हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, तिजोरी भरेगी। तो कहा जा रहा है कि उस समय कहीं ना कहीं गोते लगा रहा था, फॉरेन एक्सचेंज भी बुरा हाल था भारत का, ठीक है। ड्रॉप इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, अब कहने का मतलब है आपको याद है सेकेंड हैवी इंडस्ट्रीज बनाया गया था, सारी चीजें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बन रहे थे किस लिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए, लेकिन वो क्योंकि ड्रॉट हो गया, सारी चीजें पड़ रही थी, हालात खस्ता हो रहा था भारत का, तो सारे डिक्लाइन ग्राफ कहां जा रहे थे, नीचे जा रहे थे। विशाप राइज इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब दो चीजें हैं, देखिए भारत ने सारे पैसे, याद है कि हमने पढ़ा था जो यूएसएसआर है उसमें उनका पैसे तो थे लेकिन सारा पैसा वो लोग कहां सबसे ज्यादा खर्च किया था, जिससे यूएसएसआर का रीजन कहते हैं कि डिक्लाइन था, मिलिट्री का एक्सपेंडिचर उन लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। अब भारत ने क्या किया ना, भारत का 1947 का वॉर, 1962 का इंडो चाइना वॉर और 1965 का वॉर में भारत को ऐसा लग गया कि अगर अपना डिफेंस को बजट को नहीं बढ़ाया तो कल को कोई भी श्रीलंका भी आकर भारत पे अटैक कर सकता है, और भारत ने अपना जितना पैसा कमाता था वो ज्यादातर किसमें खर्च करने लगा था, मिलिट्री एक्सपेंडिचर में। और फाइनली आपको पता है कि प्लानिंग कमीशन बन रहे थे तो सारा का सारा पैसा आवंटन कहां हो जाता था, हैवी इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में। तो ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा था कि नहीं शायद अब कांग्रेस के साथ बहुत चैलेंजेस आ गया। वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन ऑफ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वाज टू डीवैल्यूएट द इंडियन रुपीस। अब क्वेश्चन आता है कि डीवैल्यूएशन क्या है, डीवैल्यूएशन मतलब है कि किसी चीज को आप एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे, जैसे करेंसी क्या होता है ना, डीवैल्यूएशन के बाद आप सबसे ज्यादा जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है कि फॉरेन से क्या आता है, यूएस डॉलर, और इससे भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और अभी पूछा जाए कि सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके पास है वर्ल्ड में, चाइना के पास है। आपको पता है कि वो करेंसी को कभी कभी ऐसा जब भी कहते हैं कि अमेरिका का जो डॉलर है उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करता है, उसका रीजन है कि उसके पास क्या है, खजाना भरा हुआ है जो कि किसका है, अमेरिका का, यूएस डॉलर है, ठीक है। तो इसीलिए इंदिरा गांधी ने पहला पूछा जाता है कि ये सब इतने जो हालात बुरे हो रहे थे तो इंदिरा गांधी ने सबसे पहला कौन सा कदम उठाया था, व्हाट, डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी, ठीक है, हाँ इंडियन रुपी। अंडर व्हाट वाज सीन टू बी प्रेशर फ्रॉम द यूएस, अर्लियर वन यूएस डॉलर कुड बी परचेज फॉर लेस देन RS 5, याद है रुपीज 5, यानी मैंने बताया था आपको कि अभी एक डॉलर अगर लिया जाए, $1 भारत के कितने रुपीज के बराबर है, 80 रुपीज के बराबर है, लेकिन उस समय देखिए कितना हुआ करता था, लेस देन 5 रुपीज, मतलब आप समझिए कि भारत कितना ज्यादा नीचे चला गया जिसमें आज एक डॉलर $80 के बराबर माना जाता है,
ठीक है, हाँ एक्सपोर्ट में तो आप कर सकते हैं लेकिन फाइनली इंपोर्ट आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वही चीज है इकोनॉमिक क्या है? हाँ इन्फ्लेशन ऑब्वियसली, मतलब बहुत सारे इकोनॉमिक रीजन है जिसमें, जैसे ऐसा भी होता है कि इन्फ्लेशन, हालांकि इन्फ्लेशन एक तरह से कहा जाता है कि कभी कभी इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो वो भी सही होता है, क्योंकि एक पैमाना होता है जिसमें कहते हैं इन्फ्लेशन का बढ़ना लोगों के पास परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ रही है, लोग खरीद रहे हैं एक चीज का दाम लिमिटेड सप्लाई है, लोग खरीदने के लिए ज्यादा आ रहे हैं, इन्फ्लेशन दाम को क्या करो ऊपर कर दो, तो ये रीजन भी है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट, इकोनॉमिक सिचुएशन ट्रिगर्ड पीपल ऑफ प्राइस राइज, हर जगह दाम बढ़ने लगे, लोगों का इनकम नहीं बढ़ रहा था और फाइनली क्या हुआ, पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, फूड स्कैर्सिटी, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड द ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री, बंद एंड हड़ताल वेयर कॉल्ड फ्रीक्वेंटली अक्रॉस द कंट्री। अब समझिए, बार बार इंदिरा गांधी के खिलाफ एक ही चीज चल रहा था, क्या इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चल रहा था, लोग हड़ताल कर रहे थे कि भैया प्राइस राइज इतना हो रहा है। जैसे आपको पता होगा कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी पहले, तो अन्ना आंदोलन, अन्ना आंदोलन 2014 से पहले हुआ था, अन्ना हजारे ने, उस समय देखेंगे कि जो उस समय के लीडर हुआ करते थे वो क्या करते थे, प्याज पहन के, प्याज का माला पहन के आ जाते थे, क्या, क्योंकि प्याज का दाम बढ़ गया, तो गैस सिलेंडर लेके बैठ जाते थे धरने पे, क्यों, क्योंकि गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया। तो अभी भी होता है प्रोटेस्ट करने का, तो उस समय भी, मतलब एक तरह से ये डेमोक्रेटिक है कि आप कर सकते हैं, दाम किसी चीज का बढ़ गया तो आप प्रोटेस्ट कीजिए सरकार के खिलाफ, ठीक है, बट सरकार कहती है कि नहीं, इन्फ्लेशन अगर हाई हुआ तो लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, लोग जॉब कर रहे हैं, रोजगार हो रहा है, बढ़ रहा है, तो सरकार है ना डेटा में आपको घुमाती रहती है, ठीक है, खास करके, खैर नाम नहीं लूंगा। हाँ अब आइए जरा, ठीक है, उसके बाद देखिए, कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टीज लॉन्च स्ट्रगल फॉर ग्रेटर इक्वालिटी। अब एक चीज बताइए, यहाँ पे दो नाम आ रहा है, कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टी लॉन्च स्ट्रगल फॉर ग्रेटर इक्वालिटी। मैंने बताया था कि समाज में इक्वालिटी, इक्वालिटेरियन सोसाइटी की बात कौन सी पार्टी करती है, वर्कर्स पार्टी, बोल्शेविक, वही तो बात करते हैं, लेबर पार्टी। हाँ तो लेबर पार्टी, वर्कर पार्टी की बात कम्युनिस्ट, अब इन लोगों ने कहीं ना कहीं मोर्चा खोल दिया, किसके खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, कि हाँ भाई अब इनको, और कहते हैं कि उसी समय याद है सीपीआई और सीपीआई में डिफरेंस बताया था मैंने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ब्रैकेट में मार्क्सिस्ट लिखा जाता है, क्या है दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ जैसे कम्युनिस्ट मॉडल है ना, तो देखिए जो स्टालिन का कम्युनिस्ट मॉडल था ना, वो चाहता था कि पूरे की दुनिया में फैल जाए, ठीक है, मतलब सॉरी लेनिन चाहता था, लेकिन स्टालिन ने जो कम्युनिस्ट मॉडल लेकर चला वो यूएसएसआर तक ही उसको लिमिटेड रखा। लेकिन आप देखिए कम्युनिज्म क्या सिर्फ यूएसएसआर में ही रहा, क्यूबा में गया, चाइना में गया। हाँ तो उसी समय जो एक और आइडिया निकल कर आई जो कि इनके अगेंस्ट थी, दैट वाज मार्क्सिस्ट पार्टी, ठीक है, तो सीपीआई में दो धड़े बन गए, सीपीआई और सीपीआई एम, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, ठीक है। फाइनली द पीरियड वाज आल्सो विटनेस सम वर्स्ट हिंदू मुस्लिम राइट्स सिंस इंडिपेंडेंस, जैसे कहते हैं दंगे हो रहे थे तो हिंदू मुस्लिम राइट सबसे ज्यादा देखने को मिला, देखने को सबसे ज्यादा नहीं मिला, एक केस आता है भागलपुर का, भागलपुर का जो हिंदू मुस्लिम राइट था वो भी एक कहा जाता है उस समय का, मुझे याद नहीं आ रहा उस समय सीएम कौन थे, कर्पूरी ठाकुर थे शायद, मैं कंफर्म नहीं हूं, बट कर्पूरी ठाकुर के टाइम में भागलपुर में जो दंगे हुए थे उसमें हिंदू मुस्लिम, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, जैसे तीन दंगे भारत भारत में बहुत ज्यादा लेवल पे माने जाते, एक तो 2002 गोधरा राइट्स, दूसरा भागलपुर राइट्स और तीसरा सिख राइट 1984 इंदिरा गांधी के डेथ के बाद जो सिखों पे अत्याचार किया जाता है, तो वो कहा जाता है कि वो राइट, तीन राइट्स जो है ना वो भारत में ऐसा था जिसमें कहा जाता था कि भारत का डेमोक्रेसी जो है कहीं ना कहीं हिल के रख दिया था, उसका रीजन यही था, ठीक है। अब आता है नॉन कांग्रेसिज्म, क्योंकि एक ही पार्टी का दबदबा चला रहा था, किसका, कांग्रेस पार्टी का था, अब एक नारा था कि नहीं अब कांग्रेस से अल्टरनेटिव क्रिएट करना है, तो याद है एक पार्टी तो और अलग बन चुकी थी जिसका नाम क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, लेकिन अब आता है क्या टर्म, नॉन कांग्रेसिज्म, और इस टर्म को क्वाइन करने वाले जो लीडर थे उनका नाम था राम मनोहर लोहिया, ठीक है, तो लोहिया और उसके बाद आ जाइए ये लीडर, ठीक है, राम मनोहर लोहिया, और कहते हैं कि राम मनोहर लोहिया को चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कोई भी जो बाद में चल के पार्टी आई लेफ्ट फ्रंट, उसमें ज्यादातर देखा जाता है ये गुरु मानते हैं किसको, राम मनोहर लोहिया को। उसका रीजन था कि इन्होंने एक बोला कि भाई हमें एक अल्टरनेटिव क्रिएट करना है, और उन्होंने राम मनोहर लोहिया ने क्योंकि बताया था क्या, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट की, तो इसीलिए राम मनोहर लोहिया का नाम इसमें आता है, ठीक है। चलिए एक दो पॉइंट्स लिख लीजिए फटाफट, तो द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वॉज हेल्ड इन 1952 विथ अ डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन
हेल्ड इन 1952 ठीक है। हाँ, उसके बाद सेकेंड पार्टी जो उभर कर आई थी कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लिख लीजिएगा वहीं पे, और लिखिएगा प्राइम मिनिस्टर नेहरू, पीएम नेहरू। मैं एक बार मैप बना देता हूँ छोटा सा, इसको मेंशन कर लीजिए। पहला 1952 जो लीडर पीएम नेहरू। इसके बाद 19 कब होगा, नेक्स्ट कब होगा जनरल इलेक्शन? 1967 पांच साल बाद 57 कौन बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके बाद ये सेकेंड हुआ, थर्ड कब होगा, कब होगा, कौन बना? नहीं नहीं अभी डेट भी तो देखो सर, मैं बताऊं किसान थे वो, लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन अभी भी कौन बनेगा 1962 में? नेहरू का डेथ कब होता है? 64 में, यानी अभी तक 15 साल तो ये चल ही रहा है, 15 प्लस 63 और 64, तो अभी कितना है, 17 साल तक हाईएस्ट रिकॉर्ड अभी तक है किसका? अगर प्राइम मिनिस्टर जीत जाते हैं इस साल, मतलब 2024 में, तो उनका 15 साल हो जाएगा मतलब उनका, लेकिन फिर भी अभी नेहरू को पीछा कोई नहीं छोड़ा है, ठीक है, 17 साल खुद ही बने हुए हैं। उसके बाद 1964 में इनका डेथ होता है और कौन बनता है फिर? लाल बहादुर शास्त्री। कितने साल तक रहते हैं ये? टू ईयर्स। हाँ, मोटा माटी ये याद रखिए, टू ईयर्स। हाँ ठीक है, 1966 तक, ठीक है, 1964 से लेकर 1966 तक टिल। इसके बाद कौन बनते हैं 1967 में जो इलेक्शन होता है कौन? हालांकि इनके डेथ के बाद किसको बना दिया जाता है? इंदिरा गांधी को। लेकिन इलेक्शन कब होगा? 62 फाइव ईयर्स बाद कब होगा? हाँ, तो फोर्थ इलेक्शन हुआ था 1967, इंदिरा गांधी बनी। बिल्कुल, पॉलिटिक्स में लाना ही है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चल रहा है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद 67 से कब तक? पांच साल, में इलेक्शन होता है, ठीक है। और 1972 के जो इलेक्शन होता है उसमें एक नारा लगता है, किसको हटा दो? हाँ, इंदिरा हटाओ। लेकिन इंदिरा गांधी क्या बोलती हैं? गरीबी हटाओ, ठीक है। तो ये 672 में, हालांकि आप देखिए, अच्छा 1971 में क्या होता है, इंदिरा गांधी अपने आप को एक स्ट्रांग लीडर की तरह स्थापित कर चुकी होती है। क्यों? 1971 याद है, इंडिया पाकिस्तान लड़ाई हुआ था, किसको फ्रीडम आजादी दिल गया था? बांग्लादेश को। तो इंदिरा गांधी को कहा जाता है कि आयरन लेडी होता है 71 में, तो कोई चैलेंज नहीं करने वाला था वैसे भी इंदिरा गांधी को चैलेंज इसमें, ठीक है। इंदिरा गांधी ने दो तीन चीजें किया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, प्रीवी पर्स हटा दिया। ये प्रीवी पर्स होता क्या है सर? जैसे कि व्हाट इज प्रीवी पर्स? जो भी एडवांटेज मिलती थी, जैसे पैसे वैसे, हाँ समझिए, नाम में ही आ रहा है। देखिए सही आपने बताया, प्रीवी पर्स। देखिए आपको पता है कि भारत जब आजाद हुआ था तो कितने छोटे मोटे राजा राजवाड़े थे, 565 हुआ करते थे। अब क्या है ना कि अब जब यूनियन ऑफ इंडिया बन रहा था, मतलब भारत को जब एक भारत बनाया जा रहा था, तो कहा जा रहा था ये जितने भी छोटे मोटे राजा है ना, इनको हम क्या करेंगे, कुछ पैसा दिया करेंगे ऐसे। तो कहते हैं कि जो ऑब्वियसली वो पर्स में जो पैसा दिया जाता था उसी का नाम क्या था? प्रीवी, हाँ प्रीवी पर्स बोलते हैं। और इंदिरा गांधी ने आके बोला, भैया बहुत तुम खा लिया मलाई, हाँ रॉयल्टी, मतलब बैठे रहेंगे घर, हम राजा थे आपने मुझे हटा दिया और अब खुद प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन गए, तो मुझे बदले में कुछ तो मिलना चाहिए, ठीक है। और क्या मिला? वही प्रीवी पर्स में कुछ पैसे मिला करते थे, इंदिरा गांधी ने आके वो भी खत्म कर दिया। किसने?
पावर खत्म है, पहले थे आपके दादा परदादा, वो तो डेथ हो गया था, मतलब जो इनके देखा जाए सच में देखा जाए प्रीवी पर्स जो उठाया करते थे, ये कानून बनाता कि मिलेगा, उस समय उनके फादर हुआ करते थे, अब बेटों को भी मिला जा रहा है, आप समझ रहे हैं, मतलब रॉयल फैमिली के हैं, अगर राजा के परिवार के हैं तो आपको मिलता जाएगा। तो इंदिरा गांधी ने बोला नहीं, इसको खत्म करा, और जैसे ही खत्म करने की बात आई इसमें सिंडिकेट को लगा कि इंदिरा गांधी अब अपनी मर्जी का कर रही हैं, क्योंकि और इसीलिए कहते हैं कांग्रेस दो पार्ट में टूटा था, कांग्रेस आई और कांग्रेस आर। याद कैसे रखना है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा में वर्ड क्या आता है, हाँ र साउंड आता है ना, तो कांग्रेस आर जो होगा वो इंदिरा का होगा, ठीक है, और कांग्रेस आई होगा सिंडिकेट का, जो इंदिरा गांधी को अभी सिंडिकेट क्या समझिएगा, पावरफुल लीडर जो कांग्रेस में थे ना उन्हीं को बोला जाता था सिंडिकेट, ये वही पावरफुल लोग हैं जिन्होंने कामराज जैसे कामराज हो गए और जितने लोगों ने मोरारजी को बनने नहीं दिया था, यानी सिंपल सिंडिकेट वही है जो इंदिरा गांधी को बनाए तो था लाल बहादुर शास्त्री के बाद, लेकिन ये बाद में किसके खिलाफ चले गए, इंदिरा गांधी के, क्या रीजन क्या था, इंदिरा गांधी अपने कहते हैं कि सेल्फ डिसीजन जो है वो खुद अपने दम पे ले रही थी और इनकी इनसे राय नहीं ले रही थी, मतलब जिस चीज का डर था वही हुआ इनका, मोरारजी को नहीं बनने दिया क्योंकि वो राय नहीं लेंगे इनसे, और फाइनली इंदिरा गांधी ने पूरी की पूरी इंडिपेंडेंटली, नहीं अब उसके बाद तो ये खत्म हो गया, सिंडिकेट डूब गया, खत्म हो गया क्योंकि ये पार्टी हार गई, उसके बाद जनता पार्टी इमर्ज हो रही है और फिर जनता पार्टी में मिलते गए जिनको मिलना था, फिर वापस जो छोटे मोटे थे वो फिर कांग्रेस आर में आ गए, तो अब जब ये खत्म हो गया तो फिर ये भी फिर आर क्या, फिर एक ही नाम कांग्रेस, ठीक है, जैसे वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर टू तब नाम हुआ, पहले तो वर्ल्ड वॉर ही वन नहीं कहा जाता था, वर्ल्ड वॉर ही कहा जाता था, जब टू हो गया तो उसका नाम क्या हो गया, वन हो गया, ठीक है, तो वही ग्रेट वॉर कहा जाता था वर्ल्ड वॉर, ठीक है, तो वही रीजन था, ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया 1967। अच्छा हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है वो 1967 से स्टार्ट होता है, क्या 1967 के इलेक्शन चैलेंजेस था किसके लिए, कांग्रेस पार्टी का, क्या क्या रीजन था इमरान, व्हाट आर द मेन रीजन जिसमें कांग्रेस पार्टी को चैलेंजेस देखने को मिला, वो कौन कौन से रीजन थे, हाँ क्या क्या चैलेंजेस फेस कर देश जो है वो फेस कर रहा था, इब्राहिम व्हाट वेर द चैलेंजेस विच द नेशन वॉज फेसिंग बिफोर 1967 का इलेक्शन में, 1967 के इलेक्शन बिफोर 1967, अभी तो बताया वाइड स्प्रेड, सबसे मॉनसून बैड हुआ था, इकोनॉमिक हमारा कहीं ना कहीं सिचुएशन खराब हुआ था बिकॉज ऑफ बैड मॉनसून, वाइड स्प्रेड क्या ड्रॉट आ गया था, फेमाइन आ गया था, ये सारे रीजंस तो मैंने अभी आपको बताए कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, वो कहाँ गया, नहीं नहीं ये रहा, ये सारे आंसर लिखना है, सक्सेसिव फेलियर ऑफ मॉनसून, वाइड स्प्रेड ड्रॉट, उसके बाद क्या है, डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर प्रोड, हाँ सक्सेसिव फेलियर, हाँ सक्सेसिव फेलियर किसका, हाँ सक्सेसिव फेलियर ऑफ मॉनसून, कहने का मत लगातार मॉनसून खराब होता जा रहा था, दो साल अगले साल भी मॉनसून नहीं हो रहा था, हाँ नहीं नहीं सक्सेसिव मतलब, अच्छा ये वर्ड ये आप कह रहे हैं कि ऑक्सीमोरॉन जैसा लग रहा है, हाँ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, सक्सेसिव सक्सेस नहीं लेकिन है सक्सेसिव, सक्सेस फेलियर होता तब आप कह सकते थे ऑक्सीमोरॉन, ये मतलब पढ़ाने का, चलिए एक अच्छी चीज है कि आप बोल रहे हैं सर दोनों कैसे, हाँ सक्सेसिव मतलब होता है लगातार, जैसे इस साल भी मॉनसून अच्छा नहीं हुआ, अगले साल भी नहीं हुआ, अगले साल भी नहीं हुआ, यही चीज देखने को मिल रहा है, सक्सेसर मतलब एक बाद, हाँ बाद मेरे बाद जो आएगा वो सक्सेसर होगा, मेरे पहले होगा, आपने क्लास 4-5 में पढ़ा, प्रेडिसेसर बताओ 9999 का और सक्सेसर बताओ ऐसे 1000 का, तो आप एक माइनस करते थे एक प्लस करते थे, यही तो करते थे, ठीक है, इमरान सोए रह रहे हो क्या तुम, थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो मेन रीजन यही आप लिखेंगे क्या, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डाउन हो गया था, और इंदिरा गांधी ने फर्स्ट कौन सा स्टेप लिया था, कौन सा था जल्दी बताइए फटाफट, डिवैल्यूएशन किया था जिसमें हाँ करेंसी को, ताकि भारत का एक्सपोर्ट क्या किया जाए बढ़ाया जा सके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी डाउन देखने को मिला, तो ये सारे रीजन थे, ठीक है, चलिए ठीक है आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो हम स्टार्ट करें, अच्छा ये बताइए कल फ्री हैं सभी, नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, परसों पेपर है, नहीं नहीं छोड़िए, नहीं नहीं तो मेहमान आ रहे हैं, तो मेहमान घर वाले होंगे, जो मेहमान
क्या? नहीं नहीं कल क्लास में एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, ठीक है? क्या? हाँ मॉर्निंग में पॉल साइंस की। और सर आप पिछली बार बोल रहे थे इंग्लिश की भी लगाएंगे। इंग्लिश की तो सीयूटी की बोल रहे हैं। हाँ सीयूटी का तो मैं लेकर चल रहा था कि कल अगर टाइम मिल जाए तो लगा देंगे, नहीं तो बॉल साइंस का तो रखते हैं कल, क्योंकि एक क्लास मिस हुआ है। जीएसटी भी है, तो उसके बाद टेस्ट भी है। अच्छा कल कितने बजे? मैंने कहा था नहीं नहीं टेस्ट कल नहीं होगा, एक मिनट। अच्छा कल, हाँ हाँ कल होगा, एक मिनट रुक जाइए पहले इसको।